हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसका डायमेंशन है 50 और 40, एक रेक्टेंगल बना लो पहले। इसका डायमेंशन है बेटा 50 मीटर और 40 मीटर इसका डायमेंशन है, ठीक है। 50 यहां लेते हैं लेंथ में और इसमें 40 इधर कर लेते हैं। 50 मीटर यहां है, 40 मीटर यहां है, ये डायमेंशन लिख लिया। फिर क्या है, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडेड बाय पॉन्ड, यानी इसके बीच में एक पॉन्ड बनाना है, तालाब बना दो एक, इसके बीच में एक तालाब बनाना है भाई हमें, ठीक है। इसके बीच में एक तालाब बनाना है और जिसके चारों ओर एक हमें चारों ओर क्या करना है, यूनिफॉर्मली विड्थ का ग्रास स्ट्रिप बनाना है। तो ग्रास स्ट्रिप हमने मान लो ये बना ली इधर, ग्रास स्ट्रिप ग्रीन कलर का बना देते हैं, ग्रास स्ट्रिप समझ रहे हो। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब समझ लो क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह जो विड्थ होगी वो सेम होगी, यानी कि अगर मैं इस वाली विड्थ को एक्स मान लू, यूनिफॉर्म विड्थ को एक्स, तो यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा, हर जगह ये विड्थ जो है वो एक्स होगी, समझ रहे बात को। इस ये है यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, ये है, ठीक है। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब यही होता है कि हर जगह जो है विड्थ सेम रहेगी। तो हमने एक्स जो ले लिया वो विड्थ ले लिया, हमने लेट कर लिया, लेट लेट यूनिफॉर्म विड्थ जो है, लेट यूनिफॉर्म जो विड्थ हमने लेनी थी वो हमने x मीटर मान लिए, क्या मान लिए, x मीटर, यूनिफॉर्म विड्थ जो है बेटा वो हमने x मीटर मान लिए। तो ये जो पॉन्ड है ना, ये पॉन्ड आपको जो एरिया दे रखा है वो 1184 दे रखा है, किसका, जो हमारे पास ये यूनिफॉर्म ग्रास स्ट्रिप है, यानी एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप जो दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप, ग्रास स्ट्रिप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1184 दे रखा है इस क्वेश्चन में, यानी जो ग्रीन वाला पार्ट है ना ये। अच्छा, अगर ये जो पॉन्ड है आपका, तो पॉन्ड की लेंथ की बात करें, पॉन्ड के डायमेंशंस की बात करें, पॉन्ड के डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या होंगे, इसके पॉन्ड की जो लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ ये 50 है, ये एक्स माइनस हो जाएगा, ये एक्स माइनस हो जाएगा, तो लेंथ कितनी बची पॉन्ड की, क्या वो 50 माइनस का 2x आ जाएगा, और इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 40 में से ये x और ये x माइनस कर दो, तो क्या वो 40 माइनस का 2x आ जाएगा। और अगर इसके एरिया की बात करें, यानी पॉन्ड एरिया की बात करें, तो क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए दोनों को, यानी 50 माइनस का 2x, 40 माइनस का 2x कर देना चाहिए मल्टीप्लाई एरिया निकालने के लिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप दे रखा है नहीं ये, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दो, और छोटा वाला रेक्टेंगल मतलब पॉन्ड का एरिया माइनस कर दो बड़े वाले से, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, 50 और ये 40 है, तो 50 × 40 हो जाएगा, इसमें माइनस कर दो किसको, इस वाले एरिया को, 50 माइनस का 2x, 40 माइनस का 2x बराबर 1184, बस यहीं से अब आपको लेंथ x मिल जाएगा। कितने बच्चों कंडीशन समझ में आ गई, किस किस बच्चे को कंडीशन समझ में आ गई है, किस किस बच्चे को कंडीशन ये समझ में आ गई है जरा कमेंट सेक्शन बता दो। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो 50 20 हो जाएगा, 20 और 2 0 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 2000 माइनस का 100x माइनस का 40x प्लस का 4x स्क्वायर बराबर 1184, समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक हमारे पास बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 50 और 40, तो इसका एरिया क्या होगा, 50 × 40, उसमें से अगर अंदर वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दिया जाए पॉन्ड का एरिया, तो हमें ग्रास वाला एरिया मिल जाएगा। तो पॉन्ड का एरिया ये है, ये कैसे निकाला हमने, पॉन्ड का जो डायमेंशन होगा 50 में से ये x और ये x माइनस कर दो, तो 50 माइनस 2x आएगा,
और विड्थ की बात करें तो 40 में से ये x और ये x माइनस कर दो तो ये लेंथ कितनी आएगी, 40 माइनस 2x, बस सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लो, क्लियर। चलो अब जरा देखते हैं, सब लोग क्वाड्रेटिक बताओ, क्वाड्रेटिक आपकी क्या बन रही है, सारे बच्चे बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, जिससे पता लग जाए हमारी कैलकुलेशन सही है गलत है, वैसे तो सही आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, जरा बता दो आप लोगों की क्वाड्रेटिक क्या है, मैच कर लेते हैं, जरा मैच अब मैच हो जाए, 200 से 2000 काट दो, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये आपका 140x है बराबर 1184 है, इन दोनों को उधर ले जाओ तो 4x स्क्वायर माइनस का 140x प्लस का 1184, 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 3 आएगा, 4 9 जा 36, 296, चेक करें कि x स्क्वायर माइनस का 45 आ रहा है क्या, अच्छा कुछ गलत हुआ है क्या, मेरा 35 क्यों आ रहा है, सारे बच्चे कितना आ रहा है, 80x आएगा, कहां पे 80x आ रहा है भाई, अच्छा ये 2 2 जा 4, कहां पे 80 आ रहा है भाई, मेरे तो 4x स्क्वायर ही तो आएगा, अच्छा यहां पे ना, ओके 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 80 आएगा, ये 180 हो जाएगा, फिर 180 होगा तो 4 4 जा 16, अब सही है क्या, अब सही है, 45 आएगा, चेक कर लें, अब ठीक है, अब देख लो जरा, अब देख लो, अब ये आ रहा कि नहीं आ रहा है, और अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होंगे इसके, मिडिल टर्म स्प्लिट देख लो जरा क्या आ रहे हैं इसके, 45 आ गए सबका सही है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट बता दो, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा, 37 और 8 बता रहे हैं, तो 37 का जरा मैं 8 में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 56 5 24 5 29, ठीक है सही है, 37 और 8 हो जाएगा, तो भाई यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 बराबर 0, इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x माइनस का 37 आएगा, 8 कॉमन मिलेगा तो x माइनस का 37 आएगा बराबर 0, तो x माइनस का 37 x माइनस का 8 आएगा, तो x आ जाएगा 37 और एक x आ जाएगा 8, चेक करें क्या आपका x 37 और x 8 आ गया, ठीक है, अच्छा अगर x 37 है और x 8 है, दो केस हैं यहाँ पे, तो भैया हमें निकालना क्या था, वैसे निकालना क्या था, वो पढ़ लेते हैं जरा, निकालना था हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दी पॉन्ड, पॉन्ड के डायमेंशन निकालने हैं, पॉन्ड के डायमेंशन निकालने हैं भाई, तो पॉन्ड का डायमेंशन हमारा क्या था, 37 और 8 अगर हमारा आंसर आया है, देखो दोनों केस लेने पड़ेंगे पहले, तो पॉन्ड का डायमेंशन जो है, तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो है 50 माइनस 2x, और ब्रेथ की बात करूं तो वो है 40 माइनस का 2x, तो अगर मैं पहला केस ले लूं कि भाई x अगर मेरा 37 है, तो अगर x को 37 रखोगे यहां पे तो क्या लेंथ नेगेटिव नहीं आ जाएगी, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आप 37 पुट करके देख लो नेगेटिव आ रहे हैं, तो दूसरा केस ले लो जिसमें x 8 है, तो इस टाइम लेंथ कितनी होगी, 50 माइनस का 2x है, तो 50 माइनस का 2 इंटू 8 34 आ जाएगा, 16 माइनस होगा तो, और b कितना आ जाएगा, 40 माइनस का 2x, तो 40 माइनस का 2 इंटू 8 ये 24 आ जाएगा, तो 34 एंड 24 कितना आ जाएगा, 34 एंड 24 आ जाएगा, समझ में आ रही बात, तो जो x की वैल्यू 8 है वो रिजेक्ट हो गई है, x की जो वैल्यू 8 है बेटा वो रिजेक्ट हो गई है, आपका जो लेंथ है वो 34 आ गया है, ब्रेथ जो है वो 24 आ गया है, आई होप डाउट क्लियर हो गया, तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।